फरवरी को गुजरात के सूरत शहर में एक युवक ने गला रेतकर एक युवती की हत्या कर दी थी और उसके बाद लड़के ने भी आत्महत्या करने की कोशिश की थी। इस घटना से जोड़कर दो वीडियोस सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे हैं। वीडियो में हिंसा होने की वजह से इसे ब्लर कर दिया गया है। वीडियो शेयर करते हुए दावा किया जा रहा है कि सूरत में एक मुस्लिम व्यक्ति ने एक हिंदू महिला की इसलिए हत्या कर दी क्योंकि महिला ने इस्लाम कबूल करने से मना कर दिया था। वायरल टेक्स्ट में हिंदुओं को जागने के लिए भी उकसाया गया है। कई ट्विटर और फेसबुक यूजर्स ने भी ये वीडियो इसी दावे के साथ शेयर किया। तो क्या है इस मामले की सच्चाई? इस घटना के बारे में छपी रिपोर्ट्स में कहीं भी आरोपी लड़के की पहचान मुस्लिम व्यक्ति के रूप में नहीं की गई है। पुलिस उपाधीक्षक बीके वनार ने द टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि कॉलेज के छात्र फैनिल गोयानी ने 13 फरवरी को 21 वर्षीय ग्रीष्मा वेकारिया की हत्या कर दी थी क्योंकि ग्रीष्मा ने लड़के के प्रेम प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। फैनिल को अगले दिन सूरत के पास कामरेज इलाके से गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने पूरी घटना बताते हुए कहा कि आरोपी और पीड़िता एक साथ स्कूल में पढ़ते थे। फैनिल ने युवती को प्रपोज किया लेकिन युवती और उसके परिजनों ने इसका विरोध किया। 12 फरवरी की शाम करीब 6 बजे महिला के चाचा ने फैनिल गोयानी से बात की और उससे दूर रहने को कहा। जब फैनिल ने युवती से मिलने की कोशिश की तो उसके चाचा ने उसे रोक दिया। इससे गुस्सा होकर फैनिल ने उनके पेट में छुरा घोंप दिया। जब ग्रीष्मा और उसका भाई बाहर निकले तो फैनिल ने ग्रीष्मा की गला रेतकर हत्या कर दी और उसके भाई को भी घायल कर दिया। आखिर में लड़के ने अपने हाथ की नस काटकर आत्महत्या करने की भी कोशिश की। सूरत पुलिस के एक अधिकारी ने ऑल्ट न्यूज को बताया कि पीड़िता और आरोपी दोनों ही न सिर्फ एक समुदाय से है बल्कि एक ही जाति के भी है। इस घटना की FIR कॉपी में भी इस लड़के की पहचान फैनिल गोयानी के रूप में की गई है। कुल मिलाकर सूरत में प्रेम प्रस्ताव का इनकार करने पर फैनिल नाम के एक लड़के ने एक लड़की की हत्या कर दी थी। इस घटना को सोशल मीडिया पर झूठे सांप्रदायिक दावे के साथ शेयर किया गया।